जी हाँ, ये हैं उत्तराखंड के नए नए सीएम हरीश रावत। गर्म जोशी में आकर अपने ही कार्यकर्ता को थप्पड़ रसीद कर दिया। दरअसल हरीश रावत की हौसला अफजाई में एक कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। मुख्यमंत्री जी को ये नागवार गुजरा तो उन्होंने उस कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। मुझे लग करके कह रहा था जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मैंने कहा चुप रहो आप। राव साहब, वो भी दिनेश था, ये भी दिनेश, इसीलिए मैंने अभ्यास यहाँ से किया। हालांकि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि मैं तो सपने में भी थप्पड़ मारने को नहीं सोच सकता, मैं तो उसके गाल थपथपा रहा था। मैंने यदि किसी को सपने में भी थप्पड़ मारा तो उसे माफी मांग लीजिए, लेकिन मेरी आदत है जब मैं किसी को बहुत प्यार से कहता हूँ या तो ऐसे करता हूँ या ऐसे और ऐसे किया है, तो मैं इस आदत को सुधार लूंगा। सूबे के नए नए सीएम बने हरीश रावत पत्रकारों के सवाल के जवाब में पहले तो अटके, फिर अपनी तुलना एक नई नवेली दुल्हन से कर दी। बात के दिन जब कोई नई बहू आती है तो उस बहू से बहुत खचर पचर के सवाल ज्यादा नहीं पूछे जाते, तो मैं समझता हूँ कि सास ससुर में क्या हुआ, चचिया ससुर में क्या हुआ, जोरानी जिठानियों में क्या हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का थप्पड़ मारने को लेकर चुटकी भरा बयान, माफी मांगते हुए कहा सपने में भी नहीं मार सकता किसी को थप्पड़। थप्पड़ पड़ने वाले कार्यकर्ता को बताया चचेरा भाई। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान अव्यवस्थाओं को लेकर जड़ा था कल थप्पड़। राजेश वर्मा, न्यूज एक्सप्रेस, देहरादून।